मैं क्या करूं, मेरी ससुराल वालों ने मेरी जान ले दी और मैं जा रहा हूं आज। लखीमपुर खीरी के बाकेगंज में शनिवार को एक युवक ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड पूर्व उसने एक वीडियो भी बनाया है। मां ने बताया कि उनके बेटे के फोन पर उसको धमकी मिलती थी और सभी को कोतवाली बुलाया जा रहा था। इसी डर की वजह से वह परेशान रहता था और उसने यह कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक का नाम शिवम शर्मा उर्फ भोले था, जो कि बाकेगंज के मोहल्ला स्टेशनपुर का निवासी था। कुतवाली से ने फोन आवे पांच पांच एप्लीकेशन दीस, दहेज एक्ट लगवाई दीस, हंसी खुशी सी हंसी गई हुआ ले जाए, सभी दूसरी जगह करवैया है, मऊ के रही और भाई सब करी सी और माँ बाप। ये बताए इनकी शादी कब हुई थी? शादी 8 मई को। 8 मई को शादी हुई? हाँ। तो इतने दिन ये पत्नी इनकी यहीं पर रही? नहीं, तीन बार जा चुकी। अच्छा ये बताइए कि आपका थाना कौन सा है? हमारे यहाँ का तो मैलानी है, वहाँ का लहरपुर। वहाँ का लहरपुर है? लहरपुर कुतवाली से आवत हो या भाई बोला से लखीमपुर से आवत हो, कुतवाली से बहुत फोन आए रह रहे हैं, आई जाओ ने हथकड़ी हुई लोग, पांच पांच एप्लीकेशन दिन कुतवाली में दिन लखीमपुर दिन। आपस में क्या कुछ विवाद होता था क्या? ऐसा मामला था? कुछ नहीं, हंसी खुशी से गया। अच्छा, हंसी खुशी से गया। वो लड़की मतलब दूसरे आदमी आवत रहे हैं या पुल पर खड़े हुए, तो वह लड़की सामक कहते रहे, तो जब भैया पुल पर कोई खड़ा हमें का पता, जब रिश्तेदार कोई हमारे घर ना आवत, वो लड़की गंदी रहे। अच्छा, तो ये दहेज एक्ट का केस जो है अभी कुछ ही दिन हुए हैं? हाँ। लगभग कितने दिन हो गए? एक हफ्ता या 15 दिन? मात्र 3 दिन हुए। और कल से ने कुतवाली चाहे लहरपुर से आओ तो चाहे यहाँ से लखीमपुर से बराबर फोन आ रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, कल कहीं ना कल आ जाओ, आज करें कहीं तुम्हारे हथकड़ी डाल देवा, तुमका हुए पकड़ के मरीबा, पांचों लोगों ने अरेस्ट करीबा, बहुत फोन आओ। मैं क्या करूँ, मेरी ससुराल वालों ने मेरी जान ले दी और मैं जा रहा हूँ आज, इसमें मेरे परिवार को बिल्कुल भी तंग ना किया जाए, जो भी दोष है ससुराल वालों का है, सिर्फ और सिर्फ मैं ससुराल वालों की वजह से आज ये कदम उठाया, ससुराल वालों की वजह से।